एक क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वाले में क्या किया था, एक लाइन को हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया। अभी इसमें क्या करना है, 7 सेंटेंस का लाइन को 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, 7 सेंटीमीटर का पहले से 5 सेंटीमीटर का हाफ निकाला था, वैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का पहले हाफ निकाले। ठीक है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ, ठीक है। फर्स्ट हमें बताया गया है 4 इक्वल पार्ट करने, तो पहले इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, पार्ट में डिवाइड हाफ से ज्यादा में। सही, ठीक है। ये पूरा पहले जो किया था वैसे ही है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इधर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट ले लो ओ ए, ये वाला लेंथ ले लो, कहाँ आप निकाल ये इतना पार्ट लिया रखाया। पहला वाला जैसे किया था वैसे ही इतना लेगा, ठीक है। फिर ठीक ठीक है। ठीक क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड लाइन एबी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। नोट किया आपने आर्या? नोट किया क्वेश्चन? ठीक नहीं किया। पढ़ने की जगह छोड़ा है।
कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल बनाना है दोनों साइड से, ए पे बैठा तो देख लो ये कैसे बना, इतना किया यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिला, यहाँ पे बैठाया देखो देखो। मैं काम करता हूँ थोड़ा और ज्यादा स्पेस ले सकता हूँ, और ज्यादा स्पेस बस ठीक सेम इधर से यहाँ से यहाँ हाँ ना ये पे बैठा है ठीक, नीचे की चीज नीचे की तरफ है सेम चीज, ये जैसे कट किया था वो ले ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा आपको आर्या ये दोनों जगह बना अपन सब था ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जाए ठीक है, यहाँ पे तो कोई अलग से नहीं है, मैं काम कर रही हूँ सिंपल पार्ट से डिवाइड कर रही कोई भी लेंथ पे ले आंसर ए पे बैठा के ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर वहाँ पर पॉइंट था वहाँ पे बैठा के और एक और एक फाइव टाइम आप ऐसे तो साइज का ऐसे प्रॉफिट राउंडर बैठा 6 हो गया, सेम लेंथ लेंगे और पूरी डायरेक्शन बैठा तो माइक्रो बी पे बैठा के सेम लेंथ सिक्स पार्ट डिवाइड करें 1 हो गया, टू फाइव सिक्स सिक्स नंबरिंग कर देते हैं
सर सिक्स करेक्ट ऑफ कोर्स भाई ठीक है।